हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी एट अभिमन्यु आईएएस. ए वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन. और आज यहाँ पे हम जर्नल साइंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जर्नल साइंस के, राइट. जितने भी हमारे एचसीएस के जो हमारे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर्स के अंदर 2019 में 2021 में एग्ज़ाम हुआ, 2022 में एग्ज़ाम हुआ, राइट. और अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट 2023 के लिए. सो इसके लिए स्टूडेंट हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज़ अवर अभ्यास 2.0, राइट. जिसमें स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट, एमसीक्यूज की, राइट, उनकी डिटेल डिस्कशंस देखेंगे यहाँ पे, राइट. वो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट. ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे हमारे इस सेशन के अंदर, राइट. ओके, ठीक है जी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एचसीएस एग्ज़ाम जो 2024 में हो रहा है उसके लिए स्टूडेंट हमारा एक एक्सक्लूसिवली बैच भी चल रहा है यहाँ पे, दैट इज 75 डेज बैच, ठीक है. 75 डेज, वन सेकेंड, 75 डेज प्रीलिम्स बैच चल रहा है स्टूडेंट, प्रीलिम्स, ठीक है, जिसमें हम प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं मेनली, ठीक है. और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन मोड में क्लासेस, आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और इवन टेस्ट सीरीज़ के साथ ये बैच चल रहा है स्टूडेंट. ये फुली डेडिकेट है स्टूडेंट प्रीलिम्स को लेकर, ठीक है, कि स्टूडेंट का प्रीलिम्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए किसी भी एंड से, राइट. और इस टाइम पे हमारे दो जो क्लासेस का टाइम रहता है वो 3 to 7 रहता है, राइट. 3 to 7 हमारी जर्नल साइंस की दो जर्नल स्टडीज़ की दो क्लासेस चलती हैं, 2 आवर्स की, और एक हमारी सी सेट की क्लास चलती है. और जो करंट अफेयर है वो वीकली कवर होता है, राइट स्टूडेंट. तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड है, राइट. आप उसको उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं. ओके, ठीक है. तो अभी फ़िलहाल स्टूडेंट हम जर्नल साइंस करते हैं और इसके अंदर हम स्टूडेंट जो हमारे प्रीवियस एमसीक्यू हैं उनकी डिस्कशन करते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आए, राइट. और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली मेरी साइंस जर्नल साइंस की प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास चलती है, राइट. उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, उनकी हेल्प से हम किस तरीके से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड रहता है, कितनी डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, ये सब कुछ आपको आइडिया लगता है स्टूडेंट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. ओके, ठीक है जी. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, राइट. ये मतलब कंटिन्यू सीरीज़ है, हो सक यहाँ पे क्वेश्चन 10 लिखा है, इससे पहले वाले मैंने करवा दिए होंगे पहले वाले सेशन में, राइट. सो दैट्स वाई, सो डोंट वरी स्टूडेंट, ठीक है. क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लस स्टूडेंट डिफ़िकल्ट भी है, राइट. अगर मैं उसकी बात करूँ ना, डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं, तो हाँ, जर्नल साइंस का ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, राइट. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है. तो क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है फिर आपको आंसर करना है, ठीक है. स्टेटमेंट को पढ़े बिना आप जो है ना उसका सीधा आंसर पे नहीं जंप कर सकते, पहले आपको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा. कई बार क्या होता है ना स्टूडेंट, जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे घुमा के क्वेश्चन पुट किया होता है, या एग्जामिनर थोड़ा सा वर्ड का जो लेवल है उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट कर देता है. बट इट डजेंट मीन कि आपका जो पेपर है, राइट, वो डिफ़िकल्ट है या उसने साइंस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट पूछ ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है. तो आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड आफ्टर दैट आपको उसका आंसर करना है, ठीक है. तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट. पहली कहता है कैम्फोर फ्रॉम सॉलिड सोडियम क्लोराइड. अच्छा, पहले तो क्या है, मैच लिस्ट 1 with 2, ठीक है. आपको क्या करना है, एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, इसको आपको मैच करना है इस लिस्ट के साथ, और फिर आगे आपकी ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं. तो पहले तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ो. कहता है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, ठीक है. फिर कहता है एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर. एसीटोन जैसे वो नेल पॉलिश रिमूवर नहीं होता, राइट, वो भी एसीटोन ही होता है, ठीक है, उसका मिक्सचर है, ठीक है. तो उसको आप कैसे अलग कर सकते हो, कौन से मेथड से,
फिर बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम से आप बटर निकालते हो, आपके घरों में भी हम निकालते हैं ना, जिसको हम मक्खन कहते हैं, राइट, तो उसको भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो नीचे चार हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है हमारा क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन। तो आप मुझे बताओ, अब इसमें से आप मैच करके मुझे इसका आंसर दो स्टूडेंट। पॉज लो, फिर इसका आंसर करो, ठीक है? पॉज लेना है फिर आंसर करना है। सी हेयर स्टूडेंट, जब भी आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो, जब भी आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के दो तीन चीज़ें हमेशा अपने माइंड में रखो। पहला, क्वेश्चन को हमेशा उसको अच्छे से रीड करो। पहली बार क्वेश्चन रीड ना आए, आप फटाफट उसकी सेकंड रीडिंग ले लो। सेकंड चीज़, कभी भी हमेशा तीन चार वर्ड को ध्यान से देखो। HCS के जो पेपर होता है ना, एक तो क्या होता है पता नहीं क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा कंजूसी करता है, पेपर इतना ज़्यादा बारीक प्रिंट किया होता उन्होंने, ठीक है, मतलब एक के अंदर क्वेश्चन को घुसा दिया होता दूसरे क्वेश्चन में, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ ली या दूसरी स्टेटमेंट पढ़ ली, क्योंकि उस टाइम पे एक तो माइंड वैसे ही इतना प्रेशर में आया होता है, राइट। सो दैट्स वाई ना उसको वहाँ पे ध्यान से अंडरलाइन कर करके पढ़ो, और अपने पास जो आपका पेन है, एक तो वो पेन भी खुद से देते हैं और वो इतने ख़राब से पेन होते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा मतलब ध्यान से पेपर की प्रैक्टिस करो, ठीक है, ध्यान से उसको आप पढ़ो, राइट। अच्छा, रीड उसको बहुत अच्छे से करो ध्यान से, ठीक है। स्टेटमेंट्स को मिक्स मत करो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ, ठीक है। तीसरी चीज़ स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है अगर तो वो आपको फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन उसकी अगर समझ में नहीं आया तो उसको सेकेंड टाइम उसको रीडिंग ले लो उसके। फोर्थ थिंग स्टूडेंट, ऑप्शंस को आप ध्यान में पढ़ो, ठीक है। बहुत कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कोई एक्सट्रीम सी स्टेटमेंट दी हुई है पॉलिटी के अंदर, राइट, ज्योग्राफी के अंदर, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपको बहुत कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है स्टूडेंट, तो उस पर आप थोड़ा सा वहाँ पे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स एग्जामिनर ज़्यादातर वो आपको पजल करने के लिए ही फिक्स करता है वहाँ पे, ठीक है। और जो फैक्ट होते हैं ना स्टूडेंट, फैक्ट होते हैं, अगर तो वो आपने पढ़े हैं फिर तो ठीक है, आप उस पर टिक, उस पर आप जा सकते हो, और अगर आपको नहीं पता तो या तो आप क्वेश्चन को करो स्किप, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, आप उसको अटेम्प्ट भी करो तो कम से कम वो 50% आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब कि आप ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर पा रहे हो दो ऑप्शंस पूरे पक्के, ठीक है, फुल एंड फाइनल आप उसको एलिमिनेट कर पा रहे हो कि हाँ जी ये स्टेटमेंट्स तो करेक्ट ही इनकरेक्ट ही हैं। जब आप 50% पे पहुंचो तब उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, अदरवाइज अगर चारों स्टेटमेंट देख के आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करो, क्योंकि स्किप करने से स्टूडेंट एक तो आपका टाइम बचता है, ठीक है, क्योंकि अगर उसी क्वेश्चन के ऊपर आपने दो मिनट भी लगा दिए, ठीक है, दो मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ स्टूडेंट, दो मिनट भी लगा दिए लास्ट में जाके एक तो टाइम की शॉर्टेज बचेगी हो जाएगी, ठीक है, दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग तो होनी होनी है उसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो गलत होगा अगर चारों स्टेटमेंट पता नहीं है, आपने ऐसे फालतू में तुक्का लगा दिया, गलत तो वो होगा, चांसेस तो पूरे पूरे हैं, है ना, कोई 1% चांस होंगे कि हाँ जी वो सही हो जाए आपका, तो ये गलती आप पेपर में नहीं करके आओगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, ठीक है। 100 क्वेश्चन है स्टूडेंट, 100 में से अगर आपने 60 भी आप सही कर ले गए, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आपने कम से कम की, तो भी आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ओके, ठीक है जी। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो इसको आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो अभी जो है क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के आंसर करो, ठीक है जी। ठीक है, डन है, तो चलो फिर मैच द फॉलोइंग करो, हो गया। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट है इसकी? करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट 3, थर्ड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। 4 का अगर आपको इसमें से एक स्टेटमेंट भी अगर आपने सही देखी होती ना, वैसे तो दो स्टेटमेंट्स निकलेंगी इसमें से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट का फोर, कैम्फर फ्रॉम सॉलिड क्लोराइड कैन बी एक्सट्रैक्ट बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है।
नेक्स्ट है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल दैट इज बाय क्रोमेटोग्राफी. एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर इज बाय डिस्टिलेशन. और वाटर फ्रॉम सॉरी बटर फ्रॉम क्रीम इज बाय थ्रू द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी. ठीक है जी, सी आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा. ठीक है जी. अच्छा, व्हाट इज डिस्टिलेशन, एक ही करके समझते हैं. डिस्टिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? डिस्टिलेशन कुछ भी नहीं है, दो चीजें हैं. मान लो आपने दो चीजें मिक्स की, फॉर एग्जाम्पल वाटर और एक है हमारे पास एसीटोन. अगर मैं आपके सामने रख दूं एसीटोन को एक बीकर के अंदर, एक बीकर के अंदर आपको वाटर रख दूं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वाटर कौन सा और एसीटोन कौन सा है, क्योंकि दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, दोनों लिक्विड ट्रांसपेरेंट है, दोनों आपको वाटर की तरह दिखेंगे. तो उसको अलग करने का, जब दोनों मतलब आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं कि भाई चीनी और वो मिक्स हुआ हुआ है, अपने अपने स्टोन मिक्स किए हो या शुगर विद स्टोन है, तो आप उसको एक एक करके जो है पिक कर करके उसको अलग कर लोगे. नहीं, यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है. तो दोनों आपको वाटर की तरह दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा स्टूडेंट, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो. तो जब आप इसको बॉईल करोगे तो आपको पता है एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, कंपेयर टू वाटर. वाटर जो है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है. जब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंचेगा, वाटर बॉईल होके इवेपोरेट होके दूसरे कंटेनर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, तो पीछे जो बचेगा दैट इज अवर एसीटोन. ओके, ठीक है. सेंट्रीफ्यूगेशन, जब आप किसी चीज़ को ऐसे करते हैं ना, वो आपने देखा होगा बटर कैसे निकालते हैं, मशीन जो है वो हमारी घूमती है और जितने भी डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी कलर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं. ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 3. हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे है स्टूडेंट, तो पढ़िए स्टूडेंट. HCS 2022 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. ठीक है, चंद्रयान 2 से क्वेश्चन है स्टूडेंट. ये हमारा ऑब्वियसली 2022 का है, तो वहाँ पे उन्होंने चंद्रयान के बारे में पूछा है, क्योंकि उस टाइम तक चंद्रयान 3 मिशन हमारा लॉन्च ही नहीं हुआ था. चंद्रयान 3 मिशन तो हमारा अब लॉन्च हुआ है अगस्त में, राइट, एंड इट इज़ वेरी सक्सेसफुल, और इंडिया का पूरी दुनिया में इस टाइम पे दबदबा बना हुआ है, राइट. ओके जी, तो ठीक है फिर, चंद्रयान 2 के बारे में आप बताइए मेरे को स्टेटमेंट्स, दोनों के बारे में. स्टेटमेंट पढ़ो स्टूडेंट, जब तक स्टेटमेंट खुद से नहीं पढ़ोगे कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, सिर्फ मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी. आप मेहनत नहीं करोगे स्टूडेंट तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी. हाँ जी, पढ़ो स्टेटमेंट. हाँ जी, पहली स्टेटमेंट तो देखो क्या है स्टेटमेंट, कहता स्टेटमेंट 1, चंद्रयान 2 वाज लॉन्च ऑन जुलाई 2022 फ्रॉम श्रीहरिकोटा बाय जियो सिंक्रोनस स्टेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3. ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो हमारा जियो सिंक्रोनस है. ठीक है, जियो सिंक्रोनस अभी आपकी जो है ना स्पेस टेक्नोलॉजी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, राइट. अभी फ़िलहाल हमारी जनरल साइंस चल रही है, और इसके बाद हमारी चलेगी बायोटेक्नोलॉजी, और फिर हमारी चलेगी स्पेस टेक्नोलॉजी की क्लास. वहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी जियो सिंक्रोनस पोलार सैटेलाइट्स क्या हैं, जियो सिंक्रोनस मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 क्या चीज़ है, राइट. तो उनके बारे में आपको पता चलेगा. ठीक है, ओके. वैसे जियो सिंक्रोनस नाम से पता चल रहा होगा, जियो वर्ड जो है ना दैट इज डिनोटेड टू अवर अर्थ, अर्थ. ठीक है, सिंक्रोनस मतलब कि सिंक्रोनाइज्ड, मतलब कि जितना हमारी अर्थ रोटेट करती है जिस तरीके से है ना, उसके साथ वो सिंक करती है, राइट. मतलब कि एक वो जो रोटेशन है वो कितने में कंप्लीट करेगी, 24 आवर में. जैसे हमारी अर्थ करती है वैसे ही हमारा सैटेलाइट भी करेगा, राइट. ओके, ठीक है. फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ठीक है, द स्पेस क्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्बिटर लैंडर
एंड ए रोवर। आपको भी पता है चंद्रयान 3 में हमारे पास तीन मेन चीजें, पहला हमारा ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या करेगा स्टूडेंट, चांद के चारों तरफ, मून के चारों तरफ क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, पहला तो ये हमने भेजा था इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सैटेलाइट हमारा। दूसरा हमने भेजा था लैंडर और रोवर। देखो रोवर क्या करेगा, रोवर और लैंडर, लैंडर जो है वो एक तरीके का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वो क्या करेगा, लैंड करेगा किस पे, मून की सरफेस पे, मून की सरफेस पे। ठीक है, मून की सरफेस पे लैंड करने के बाद उसमें से निकलेगा हमारा रोवर, रोवर बाहर आएगा। आपने पक्की बात है रील्स में, शॉर्ट वीडियोस में पक्की बात देखा ही होगा, है ना, रोवर बाहर आएगा। तो रोवर क्या करेगा स्टूडेंट, रोवर क्या करेगा, घूम घूम के अर्थ के उसके ऊपर, मून के सरफेस के ऊपर सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, राइट, और उनका डेटा जो है वो ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, हमारी अर्थ पे, राइट, हमारे अर्थ के इसरो के साइंटिस्ट से वो अपना डेटा क्या करेगा स्टूडेंट, शेयर करेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मून के सरफेस के ऊपर जितने हमारे कौन कौन से मिनरल्स हैं, राइट, क्या चीज़ है, राइट, वहाँ पे क्या कंपोजिशन है, क्या कोई वहाँ पे ऐसा मिनरल है जो हमें हेल्प कर सकता है, राइट, जितनी भी हमारी आज की प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए। साइंस का मेन पर्पज़ क्या होता है स्टूडेंट, ह्यूमन लाइफ को आसान करना। अभी आप देखो, आप घर पे बैठ कर मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, राइट, किसकी वजह से हुआ, साइंस की वजह से हुआ, राइट, आपकी लाइफ को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, राइट, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को आसान करने के लिए। हो सकता है हमें वहाँ से कोई ऐसा मिनरल, कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जो इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम क्या कर सके, ठीक कर सके, जो इतना सारा पोल्यूशन हो जाता है जिससे हमारी सांसें बंद हो रही हैं उसको हो सकता है हम टैकल कर सके, यस और नो। तो साइंस का पर्पज़ यही होता है। कभी आपसे कोई पूछ ले कि साइंस क्या क्या रोल है, क्यों कर रहे हैं हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा के, क्यों हम एक सैटेलाइट भेज रहे हैं, इससे अच्छा पहले हमारी जो गरीबी है उसको दूर कर लेते हैं हम, है ना, बहुत बार आपके सामने ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं। तो ठीक है, गरीबी दूर करने के लिए अलग से प्रोग्राम्स हैं, बट स्टूडेंट रिसर्च होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, जो और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। सिर्फ पॉवर्टी थोड़ी ना इशू है, और भी तो कितने सारे इशू हैं, एम्प्लॉयमेंट एक इशू है, माल न्यूट्रिशन एक इशू है, राइट, जॉब का एक इशू है, और बहुत सारे इशू हैं, राइट, यस और नो, ओके ओके, ठीक है जी। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट हमारी, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1 सही, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या है, कहता था ऑर्बिटर विल सर्कल, अच्छा मैंने ये तो आपको बता ही दिया, विल सर्कल इन ए पोलार ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 100 किलोमीटर इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। हाँ जी सही है, ठीक है जी, ओके ओके बच्चा, चलो जी लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, इसने पूछा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट, जब भी आपके सामने नॉट ट्रू, नॉट नॉट करेक्ट आ जाए उसको आप हमेशा सर्कल लगाओ, उस पर हमेशा क्या लगा दो, सर्कल। नॉट ए प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव नहीं है वो, ठीक है, प्रिजर्वेटिव नहीं है। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं स्टूडेंट, एक ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे हमारे एडिबल सब्सटेंसेस जिनको हम फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ को भी प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होती है, कहाँ कहाँ से आते हैं, फिर भी वो ख़राब नहीं होती, चटनी, राइट, जैम, हर चीज़ ख़राब नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिक्स होते हैं जो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब कि प्रिजर्व करने का मतलब है स्टूडेंट कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं, उसमें उसको ग्रोथ नहीं करने देते, दैट्स इट, यही इसका पर्पज़ होता है। तो इसका ऑप्शन है दलचीन, पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट, सोडियम बेंजोइट, इसको तो आपने पक्की बात है पता ही होगा, तो ये ऑप्शन, तो सॉर्बिक एसिड, ठीक है, तो तीनों ही हमारे क्या हैं स्टूडेंट, प्रिजर्वेटिव्स हैं एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन, नॉट पूछा है उसने, ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 1। हाँ जी,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट. अच्छा पढ़ो स्टूडेंट, स्टेटमेंट पढ़ो. असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है. जब भी असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन आता है, आपको पता है वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या होना पड़ता है, अलर्ट होना पड़ता है ना. अलर्टनेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा वो वाला जो क्वेश्चन होता है ना स्टूडेंट, काफ़ी बच्चों का ना गलत बड़ा होता है. ठीक है, अलर्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपका, क्योंकि वो क्वेश्चन ना गलत बहुत होता है बच्चों का. ठीक है, कई बार वो इनकरेक्ट लगा देते हैं, उनको रीज़न समझ में नहीं आता. तो इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट, या तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, अगर तो समझ आ जाता है तो ठीक है पहली बार में, नहीं तो सेकंड रीडिंग उसकी पक्का ध्यान से ले लो. और एक क्या होता है ना, किसी क्वेश्चन को लेकर आपको पेपर में ना सेंटी नहीं हो जाना, इमोशनल नहीं हो जाना कि यार आता है, इसके बारे में मैंने पढ़ रखा है बट नहीं हो रहा है मेरे से करेक्ट, है ना, या मेरे से नहीं हो पा रहा है, दो स्टेटमेंट्स में आप कन्फ्यूज़ हो, या आपको चारों में से कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो उस टाइम पे ना स्टूडेंट, मैं सच्ची कहूँ, उसको सर्कल कर लो उस क्वेश्चन को, और लास्ट में आप उसको अटेम्प्ट कर लो अगर टाइम बच जाए, अदरवाइज उसको आप छोड़ ही दो, बेटर है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गलत ही होगा आपका जब आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए. तो ना टाइम नहीं वेस्ट करना स्टूडेंट पेपर के अंदर. HCS में क्या होता है ना स्टूडेंट, होता क्या है इसमें, क्या होता है ना, एक तो मतलब एक तो पेपर इतना वो आता है ना, पेपर का प्रिंट ऐसा आता है खराब सा. ठीक है, दूसरा आधे से मतलब कितना सारा टाइम तो साइन करवाने में, थम लगाने में, वो कुछ कुछ करते रहते हैं वो बीच में आके, है ना. तो ना स्टूडेंट आप क्या करो ना, MCQs की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो. आप कर ही रहे होगे, होप्स हो कि आप टेस्ट लगा रहे होगे घर पे बैठ के. ठीक है, तो आप ट्राई करो कि आप 1.5 आवर में ना अपना पेपर कंप्लीट करना, अभी से प्रैक्टिस करनी सीख जाओ, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ. ठीक है, ऐसा ना हो कि पेपर के अंदर लास्ट में जाके आप रोने बैठ जाओ और आपके अभी तक आपने वो गोले भी नहीं फिल किए. ठीक है, और आपका पेपर रह गया. ठीक है, और वो इसी वजह से रहता है, ऐसे क्वेश्चंस की वजह से. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आसान होते हैं. ठीक है, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, राइट, टाइम मैनेजमेंट आपने करना नहीं सीखा और आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो ऐसे क्वेश्चंस पे. तो टाइम नहीं वेस्ट करना स्टूडेंट, सर्कल को लो, या तो आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो. ठीक है, ध्यान रखो, लिख लो आप कि यार ये वाला क्वेश्चन रहता है मेरा. ठीक है, लास्ट में जो समझ में आए कर दो, या फिर उसको आप स्किप करके बस फटाफट आगे बढ़ जाओ, है ना. या फिर आप अगर आते हैं तो बस मार्क करो और आगे बढ़ो. ठीक है, स्टेटमेंट बड़ी होती हैं स्टूडेंट, पहले ही टाइम जो होता है उस क्वेश्चन पे ज़्यादा लग चुका होता है हमारा. ठीक है, ठीक है, ओके. तो अब पढ़ो स्टेटमेंट्स को. हाँ जी, असर्शन कहता है, असर्शन बायोगैस कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच कैन बी यूज एज फॉर फ्यूल फॉर सेवरल. बायोगैस पता ही आपको, है ना. एट इट इज रिलीज नो स्मोक एंड और रेजिड्यू, इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए गुड एंड सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी. आपको पता है बायोगैस, वो जो इसको हम गोबर गैस प्लांट कहते हैं, है ना, वो वाला, उसमें क्या होता है, मेन जो गैस रिलीज होती है दैट इज़ अवर मीथेन. फिर उसको घरों में हम कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, और वहाँ पर ना कोई धुआं निकलता उसमें से, राइट, ना कोई रेजिड्यू बचता है पीछे, ना कोई स्मोक होती है. ठीक है, और जो रेजिड्यू बचता है जिसको हम सलरी कहते हैं, इवन दैट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ आवर फर्टिलाइजर्स फॉर आवर एग्रीकल्चर, राइट, जो उसमें पीछे बच जाते हैं. ठीक है, तो रीज़न है स्टूडेंट इसका, बायोगैस आल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हायर कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्ट्रीब्यूट्स लोअर एनर्जी ऑफ बायोगैस इन कंपेरिजन टू नेचुरल गैस. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस आर बिलो. ठीक है, बोथ दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की. फिर कहता है बोथ दोनों करेक्ट हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. फिर कहता है ए इज करेक्ट ऑप्शन बट आर इज नॉट, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, दोनों ही नहीं करेक्ट. तो अब बताओ, आप पढ़ के क्वेश्चन को आंसर करो स्टूडेंट. हाँ जी, तो क्या आंसर होगा इसका, करेक्ट बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारा आर है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बी की. ठीक है, क्यों, आर जो रीज़न है ना, दोनों स्टेटमेंट है सही. ठीक है, बट हम रीज़न सही नहीं बता सकते इस स्टेटमेंट का.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मोक भी रिलीज नहीं हो रही है, रेजिड्यू नहीं, दूसरे स्टेटमेंट में ये कुछ और ही बोल रहा है, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसकी जो है ना वो सही नहीं दी हुई है, वैसे दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है जी, ओके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, तो आगे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज एट योर होम, आप अपने घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं उस पे स्टेटमेंट है। अभी आज ही अपना जो चैप्टर है क्लास के अंदर वो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही है, राइट। कहता है माइक्रोवेव ओवन एंड टेलीविजन यूज डीसी करंट, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन यूज एसी करंट, एयर कूलर एंड एयर कंडीशनर यूज एसी करंट, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज यूज 220 एम्पियर करंट, ठीक है, एम्पियर क्या यूनिट है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू डिफरेंट डिवाइस इज सेम, ठीक है, तो अब बताओ करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है इसमें, बताना मेरे को। बहुत आसान क्वेश्चन आई थिंक सो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, तो बताओ। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 2, मतलब कि 2 एंड 3, 2 एंड 3 बनेगा, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन यूज एसी करंट, एयर कूलर एंड एयर कंडीशनर यूज एसी करंट, जो हमारा इन्वर्टर होता है उसमें होती है डीसी करंट, राइट, ठीक है, वो आगे एसी में उसको कन्वर्ट करता। अच्छा, माइक्रोवेव एंड ओवन नहीं, वो भी एसी करंट ही यूज़ करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अलग भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं, ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी, ठीक है जी। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कीजिए, नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। हाँ जी, कहता स्टेटमेंट 1, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। स्टेटमेंट 2, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास नीडल मूव्स। स्टेटमेंट देयर इज नो फील्ड 3 में, देयर इज नो फील्ड इनसाइड ए बार मैग्नेट। फोर्थ स्टेटमेंट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। जो हमारी, जो जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके। अच्छा, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ कब शो करता है वो, जितनी ज़्यादा हमारी बार्स क्लोज होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये आपको पता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारी, तो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी 3, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4, 3 ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। स्टेटमेंट देर इज नो फील्ड इन साइड ए बार में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2, 1 एंड 3, 4 सारी की हमारी करेक्ट हैं, तो ये स्टेटमेंट 3 हमारी जो है वो गलत है, ठीक है, तो बाकी सारी सही होगी, और उसने हमसे सही स्टेटमेंट्स पूछी हैं, राइट, करेक्ट पूछी है यहाँ पे हमसे, तो 3rd ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओके जी। हाँ जी, तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, कहता है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछा है, फिर कहता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, घरों में जनरेटर लगे होते ना पहले, अब तो खैर सारों के पास जो है वो आ चुके हैं, इन्वर्टर लग गए हैं घरों में, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर 3 बोलता है, कहता है बोथ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए स्टूडेंट, आप बताओ, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है,
राइट, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये जो हीट निकल रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट जो आ रही है वो कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, राइट। जहाँ पे लाइट बन रही है वहाँ पे क्या है, जैसे अगर वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे हाइड्रो एनर्जी है, वहाँ पे वाटर की एनर्जी हाइड्रो पावर है, राइट। उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहा है तो वो काम कर रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, राइट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेंगे आपकी बताइए, थ्री ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा, कौन सा, स्टेटमेंट वन एंड टू, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, चल रही है ना वो, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो कन्वर्ट करता है किसको, मैकेनिकल एनर्जी, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ओके तो स्टेटमेंट थ्री क्या, बोथ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर वर्क ऑन से, नहीं सेम प्रिंसिपल कैसे हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। ओके तो स्टेटमेंट थ्री इज अवर करेक्ट ऑप्शन, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कीजिए, नेक्स्ट वन, हाँ जी। स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है, काफ़ी लंबे चौड़े क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वन क्या है, व्हेन एन अल्ट्रासाउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी एंड स्पीड चेंज। अल्ट्रासाउंड पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, अल्ट्रासाउंड वेव्स के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए अल्ट्रासाउंड के बारे में। स्टेटमेंट टू कहता है द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन अल्ट्रासाउंड वेव रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज वाइल ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कहता वो चेंज नहीं करती, ऑलमोस्ट अनचेंज रहती है, ये इसका मेन है। जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना मेन मेन चीज़ों को, वैसे आप भी पेपर में करना, द फ्रिक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव चेंज चेंज व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कहता फ्रिक्वेंसी और स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ उसकी चेंज नहीं होती, जैसे उसने पहले स्टेटमेंट में तीनों के बारे में बोला। स्टेटमेंट फोर में बोला, कहता है इकोकार्डियोग्राफी, आपको पता ही है कार्डियोग्राफी वर्ड से ही पता चल रहा है, इज ए टेक्निक फॉर मेडिकल डायग्नोसिस एम्प्लॉयज अल्ट्रासाउंड। इकोकार्डियो किस लिए करवाते हैं हम, कार्डियक हमारे हार्ट के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट से। ओके तो करेक्ट स्टेटमेंट बताइए आप स्टूडेंट क्या बनेगी बताओ, क्या बनेगी स्टूडेंट हमारी, ऑप्शन थ्री बनेगा हमारा, ऑप्शन थ्री, मतलब कि स्टेटमेंट टू एंड फोर। तो स्टूडेंट टू एंड फोर कौन सी स्टेटमेंट है हमारी, स्टेटमेंट टू हमारी करेक्ट है और स्टेटमेंट फोर हमारी करेक्ट है। तो ये तो पता ही, इकोकार्डियोग्राफी हम मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें तो कोई दोराई है ही नहीं स्टूडेंट। अगर हमारा फोर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो दो ऑप्शन बचे हमारे पास, 50-50 पे आ गए आप, और जब भी आप 50-50 पे आते हो, 50% होता है, तो स्टूडेंट उस टाइम पे आपको वो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करना चाहिए, उस क्वेश्चन को आप स्किप मत करो, ठीक है। उसको स्किप करने की गलती नहीं करनी चाहिए जब हम 50% पे पहुँच जाओ, ठीक है, क्योंकि 50% चांसेज है कि वो क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू पढ़ो, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स रिमेन्स ऑलमोस्ट चेंज वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसकी फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। व्हाट इज फ्रिक्वेंसी, ये आप मुझे बताओगे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर, फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके जी ठीक है बच्चा, ये हमारा थ्री ऑप्शन। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये सेशन का होता है ख़त्म, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट सेशन के अंदर, राइट। सो इसी तरीके से हम धमाकेदार तैयारी करते रहेंगे फॉर HCS, और मेरी तरफ से स्टूडेंट आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है, नॉट फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप प्रिपेयर कीजिए स्टूडेंट, मोटिवेट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है, ठीक है। 75 डेज ही हैं आपके पास, 75 डेज में अगर आप ऑफिसर बन गए तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती स्टूडेंट, कोई भी नहीं हो सकती, आपकी लाइफ 360 टर्न कर जाएगी, राइट। इससे अच्छा गोल्डन मौका नहीं हो सकता आपके पास। सो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ आप पढ़िए, इस यहाँ पे अब कोई रिस्क लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं अपना सेशन कर रही हूँ यहाँ पे ओवर, थैंक यू सो मच।